ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। की टीम से एक इंट्रोडक्शन लें ताकि उन बच्चों को भी गर्व महसूस हो कि आज हम जिस जगह पर खड़े हैं उसमें आप लोगों का समर्थन और साथ संबल जितना मिलेगा। यहां से निकलकर ये आगे जाएंगे, 9:30 बजे ऑफिशियल मैच स्टार्ट हो जाना है। बहुत थोड़ा समय हमारे इस उद्घाटन कार्यक्रम का यहां पर बचा हुआ है और जिलाधिकारी महोदय हमेशा से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ आते हैं करने की, ताकि उसी के अंतर्गत ये सारे मैच हों। यहां पर हमारे दो अंपायर्स का भी यहां पर स्वागत और सम्मान, आदरणीय मधु जी हमारे, और मैं लतीफुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुके देकर आदरणीय मधु साहब को सम्मानित करें आज के इस कार्यक्रम में। और अनीश जी, मैं भूपिंदर कच्छल जी जो कि सीनियर मेंबर हैं एसडीसीए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आए और अनीश जी को बुके देकर स्वागत करें। ऑफिशियल स्कोरर श्री एपी सिंह जी से रिक्वेस्ट कृपया आए और राकेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बुके देकर एपी सिंह जी का स्वागत करें। दो है भी, एक चार 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 लिया ना, सुनो भाई सर, यहाँ पे आज जो सहारनपुर में ये बीसीसीआई के द्वारा आयोजित विजय मर्चेंट अंडर 16 ट्रॉफी का जो मैच हो रहा है, ये बहुत ही सहारनपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये मैच दो अलग अलग स्टेट टीम के बीच में हो रहा है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, और इससे सहारनपुर का नाम पूरे देश में सब जगह जाएगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज को हम लोगों ने एक्सेप्ट करके अचीव किया है और ये सहारनपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्रिकेट के क्रिकेट जगत में। भविष्य में क्या योजना है इस ग्राउंड में, आप कहाँ कहाँ बता रहे थे नेशनल लेवल के इसमें मैच होंगे? हाँ, भविष्य में हम लोगों की अभी जो हाल फिलहाल में योजनाएँ हैं वो हैं कि हम यहाँ पे अभी जैसे अंडर 16 का मैच है तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि हम लोग अंडर 19 का एक मैच कराएं, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि और तैयारी करें क्योंकि अभी पूरी तरह ग्राउंड तैयार नहीं है। अंडर 16 तो बहुत छोटे बच्चों का मैच होता है, तो हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है कि हम लोग रणजी ट्रॉफी का यहाँ पर मैच कराएं। उसके लिए हम लोगों को साइड स्क्रीन प्रॉपर बनवानी पड़ेगी और ड्रेसिंग रूम बनाने होंगे, काफ़ी काम करना है। पर जैसी हम लोगों की एक टीम है सहारनपुर में, वो बहुत कमाल की है, ऐसी टीम मुझे नहीं लगता शायद कहीं दूसरी जगह होगी कि यहाँ के लोगों ने पिछले एक महीने में रात के 1 बजे तक भी काम किया और सुबह 4 बजे आके भी काम किया है। तो ऐसी टीम जब हमारे पास है तो मुझे लगता है कि हम रणजी ट्रॉफी भी अचीव कर लेंगे और रणजी ट्रॉफी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है सहारनपुर के लिए और यहाँ के क्रिकेट के विकास के लिए, और उससे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, अभी तक तो यूपी में सहारनपुर के बच्चे खेलते हैं, जिससे कल अंडर 19 में 4 बच्चे थे सहारनपुर के, अंडर 16 का जो मैच चल रहा है छत्तीसगढ़ के साथ इसमें 3 बच्चे हैं, रणजी ट्रॉफी में 2 बच्चे हैं, यूपी से तो हम खेल चुके हैं। हमारा अगला टारगेट है कि इंडिया के लिए यहाँ से कोई बच्चा खेले और सहारनपुर का नाम पूरे दुनिया में चमकाए, तो उसके लिए हमको थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है जिसके लिए हम लगे हुए हैं रात दिन। ठीक है, थैंक यू।
ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ अभी अभी। खबर, तहकीकात, हकीकत।